नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और 28 तारीख को जिस तरह से किसान भवन पानीपत में मीटिंग की जाती है और जिला प्रधान द्वारा जैसे ही रतन मान की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई और उसके बाद जैसे ही 5 तारीख को सर छोटूराम की जयंती पर मुख्य अतिथि की बात कही गई कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो कि जेजेपी के संस्थापक हैं और किसान आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद ये पानीपत में एक आग की तरह बात फैली और उसके बाद ये अब मसला है। फिलहाल इसराना ब्लॉक में हम हैं, यहाँ पर भी मीटिंग की जा रही है और दिन प्रतिदिन जो किसान नेता है वो किसी भी गुट से हो विरोध दर्ज कराया जा रहा है इस बात को लेकर के। तो उप प्रधान जो है भारतीय किसान यूनियन के जगबीर नेता जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है। जिस तरह से प्रधान द्वारा फैसला लिया गया नेताजी, उसके बाद पानीपत के जिला के किसान व पदाधिकारी व किसी भी गुट से हो, वो भारतीय किसान यूनियन किसी भी गुट से हो, तमाम जगह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस बात को आप किस तरह से आंकते हैं कि आपके संगठन के प्रधान ये फैसला लेते हैं? जब सोशल मीडिया से मुझे पता लगा कि भी प्रधान जी ने इस बात का फैसला किया कि अजय चौटाला यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला प्रधान जी आपने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोला नहीं, ये कोई फैसला नहीं है और ये 1 तारीख की अपनी मीटिंग है किसान भवन जो मासिक मीटिंग हुआ है, उसमें हम फैसला करेंगे किसको बुलाएंगे किसको ना बुलाएंगे, अभी अजय चौटाला का आना कोई निश्चित नहीं है। तो उसके बाद हमने कल ही एक इंटरव्यू किया, उसके बाद भी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और वो मेरे साथी रहे हैं और हम उसको बुलाएंगे। ये सच्चा है, इस बात के इसके लिए मैं उसके साथ हूँ क्योंकि इस भवन में 10 साल से लगातार कांग्रेस का राज रहा। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि उस टाइम पर 1994-95 में इसके प्रेसिडेंट थे मास्टर अजीत सिंह जी, मास्टर अजीत सिंह और राजा खेड़ी से थे माईचंद एक सरपंच और ये दजाराम नंबरदार, ये मेरे पास गांव में आए और उन्होंने कहा कि भी नेताजी आप एक अमीर पार्टी के सदस्य हो, किसी से हमारे किसान भवन में सर छोटूराम की स्टेचू लगवा दो, नहीं तो किसान भवन अधूरा है स्टेचू के बगैर। मैंने ठीक है मैं पता करूँगा, तो मैंने उस बारे में पीके चौधरी जी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है भाई जगबीर लगवा दो। तो हमने वो किसान भवन में स्टेचू लगा दिया सर छोटूराम जी का और इन कांग्रेसियों ने उसको पाड़ गए, उस पत्थर का भी नहीं पता और उस स्टेचू का भी नहीं पता कहाँ गया। तो इसका मतलब एलिगेशन आप यही लगा रहे हैं कि जो पिछले प्रधान रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है? हाँ बिल्कुल रहा, उन्होंने बताना चाहिए था पाड़े किस बात के लिए, हमारा भी तो पत्थर था वो क्यों पाड़े, बताते भाई हम या पत्थर को लगाते हैं स्टेचू कहीं और लगाते, जैसे मोबाइल रोड के ऊपर हस्तर छोटूराम चौक वहाँ बनाते उसको। उसमें मेरी अभी बात हुई है कहीं MCO से, मेयर से भी बात हुई है, जब भी कभी हाउस की मीटिंग होगी तो निश्चित उसको पास करेंगे स्टेचू को हम लगाते हैं भवन में। और अब आपने एक वीडियो भी जारी की कि अजय सिंह चौटाला को बुला लेना चाहिए था, आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं उनको बुला लेना चाहिए। नहीं 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 ऐसा नहीं था, प्रधान जी ने मेरे को कहा कि एक बार उनकी हमारी मीटिंग हुई ऑफिस में कि भी सर छोटूराम जयंती को अच्छी तरह मनाएंगे बढ़िया मनाएंगे और भवन में काफी दिन हो गए मेंटेनेंस होया इसको अच्छा सुंदर बनाएंगे, भाई पानीपत में जो भवन का नाम ऊंचा चले सब पहचान करेंगे यह किसानों का भवन है। तो बोले आप बताओ किसको, मैंने उनको वीरेंद्र सिंह का लड़का है जो MP हिसार से उसका नाम दिया था बिरजेंद्र सिंह का, के भी है तो बीजेपी का लेकिन अब बीजेपी के नाते नहीं हो क्योंकि सर छोटूराम जी के नाते हैं इसलिए उनको बुलाते हैं और अच्छा। उसके पास मैचिंग ग्रांट उसका MP ग्रांट है उसके हम 45-40 उनसे ले लेंगे। तो बोले हाँ ठीक है, उस पर हमारी उस दिन के बाद फिर बात हुई तो बोले जो केजरीवाल को बुला लें तो कैसा, मैं बहुत बढ़िया, वो तो डिप्टी वो तो CM है दिल्ली का, वो तो हमें उससे भी ज़्यादा पैसा देगा, हमारी एक तमन्ना है कि भवन सुंदर बने। तो इस बात पर डिस्कस हो गया तो केजरीवाल जी ने हमारे को टाइम नहीं दिया क्योंकि भाई मैं तो चुनाव में व्यस्त हूँ। जब पिछली मासिक मीटिंग हुई मैं थोड़ा लेट पहुंचा, उसमें उस दिन हमारे ब्लॉक का प्रधान का चुनाव भी था, मैं उसमें भी लेट हो गया। तो ये फैसला हुआ कि भाई टिकैत जी को बुलाएंगे राकेश जी को, तो राकेश जी से मुलाकात की तो उन्होंने टाइम दे दिया कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो गौरव को ले जाओ, गौरव के ऊपर वो बात सी नहीं बनी। और कुल मिलाकर बात यह है कि आज भी हमने DC साहब को ज्ञापन दिया वहाँ, उन्होंने मेरे को कहा नेता जी आपने वीडियो जारी नहीं करना चाहिए था, ये तो फैसला कल करेंगे, तो ये हमारा फैसला कल होगा अभी कौन आएगा कौन ना आएगा। अच्छा एक बात और है, आपने कहा कि अब एक तरफ तो आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, आज विरोध जताने के लिए इसराना ब्लॉक में पहुंचे, तो आप टीम के मेंबर भी हैं, तो पानीपत भी आपको उसमें पहुंचना चाहिए था, पानीपत में
हाँ पानीपत से तो आया हूँ, अभी पानीपत से आया हूँ, अपन डीसी साहब को, डीसी साहब बाहर आया मेरा। ये फैसला ऐसे ही रहता है तो उसको लेकर के मैंने यहाँ पर मंच जो संभाल रहे हैं प्रदीप, उन्होंने भी ये कहा है कि आप इस्तीफा दे देंगे यदि नहीं माने तो। इस बार मैंने कह दिया था भाई यदि वो अजय चौटाला आएगा तो मैं इस्तीफा देने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, ना मैंने इतनी भूख, ना मुझे जरूरत, और ना मैं किसी राजनीति पार्टी में हूँ। जिस दिन किसी राजनीति पार्टी में जाऊँगा उस दिन भी इस्तीफा दे दूंगा उसी टाइम। दिक्कत क्या है, आप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बुला रहे हैं तो किसान विरोधी आदमी है वो, कैसे किसान है क्या, किसान विरोधी है। और मैं पिछली बात में जाऊं तो जिस टाइम इस भवन पर बनाया लोगों ने, इस कब्जा जो कुछ शरारती तत्व इसमें कब्जा करना चाहते थे, उस टाइम की सरकार ने तो उनकी हेल्प की थी, वो तो विजय कुमार डीसी जी थे अपने कादयान साहब, उन्होंने सीएम साहब को समझाया कि शहर के जो सरकंदा आदमी थे वो डॉक्टर मंगल सैन को लेकर चौधरी देवलाल जी को मिले थे कि जी ये किसान वहां जबरदस्ती कर रहे, और चौधरी देवलाल जी ने एक बार उस पर स्टैंड भी लिया कि भाई इसको खाली कराओ, किसान से कोई वास्ता नहीं है इसका। लेकिन वो फिर डीसी साहब ने सीएम साहब को समझा दिया, सीएम साहब की बात समझ में आ गई और वो एक बटा दो हिस्सा करके, वो एक बटा हिस्सा उसको दे दिया, दो बटे हमें दे दिया, किसान भवन बन गया। इस सरकार का क्या योगदान था कि उन्होंने ये विकास सरकार ने बनवाया, उनकी सरकार में थोड़ा बना, लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया था। जिला मुख्यालयों पे पुतला फूकने की और वो करने की बात थी, लेकिन ब्लॉक स्तर पर कोई ऐसा नहीं था, ये विरोध के कारण यहाँ पर इकट्ठे हुए। अजय चौटाला का विरोध के लिए इकट्ठे हुए, होना भी चाहिए था कोई एक किसान विरोधी आदमी, जो तीन दिन पहले भी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये वापिस लिए उससे तीन दिन पहले भी उसने बयान दिया कि कानून बनते हैं फलाना करते हैं, ऐसे मुंह पाड़ के बोल रहा था कानून वापिस नहीं होने, अमेंडमेंट हो जाएगा, तो इसके फूफा अमेंडमेंट के पूरे कानून गया, और ये भी जाएंगे, समय आएगा ये भी जाएंगे। मीटिंग में आप उस टाइम मौजूद थे जब रतन मान वहां पर थे? मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे ना, उसको आप बाद में पता चला? नहीं, मुझे सोशल मीडिया से पता लगा। जब नेता, और आपको बता दें कि लगातार इस तरह का जो तमाम नेताओं की बात की जाए तो वहां पर लगातार अब विरोध के सुर जो है जिला प्रधान के खिलाफ चल रहे हैं, और उसके बाद अभी यहां पर मीटिंग की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सराना ब्लॉक में यहां पर किसान जो हैं, और वही किसानों की यदि बात की जाए तो जो टीम है किसान भवन की उसके पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, और उप प्रधान से हमने आपकी बातचीत कराई। लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि यदि समयबद्ध इस निर्णय को प्रधान द्वारा नहीं माना गया तो कार्यकारिणी के जो कई सदस्य हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके बाद अब लगातार इस बात को लेकर बवाल हो रहा है। अब क्या फैसला यहां पर लिया जाएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि किसान भवन में अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बुलाने को लेकर विवाद जोरों पर है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका इसराना।